जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यह प्रतिष्ठित माँ महामाया देवी का मंदिर, जहाँ पर दोनों नवरात्रि के समय में जब सूर्य उदय होता है। आज मुझे भी टिकट मिला है, हाई कमान को धन्यवाद। फाटक से ही लड़ेंगे जी, तो ये अफवाह फैला रहे थे, उसका मुंह बंद हो गया। मंदिर का ऐसा है कि मंदिर तो लगभग लगभग 80-90 साल पुराना मंदिर है। कितने समय से इस मंदिर में आप आ रहे? मैं यहाँ जब मैं क्लास 5th में थी तब से यहाँ आ रही हूँ। कैसा लग रहा है आज मंदिर का दर्शन करके? माता रानी बहुत अच्छा इस मंदिर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती इलाके में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ माँ महामाया की महिमा देखते ही बनती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ महामाया को 1.5 किलो और माता समलेश्वरी को 0.5 किलो स्वर्ण मुकुट से सजाया गया था। यह श्रृंगार सिर्फ नवरात्रि में किया जाता है। माँ महामाया मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण है वंशी राजाओं ने कराया था। मंदिर के पुजारी पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि सूर्योदय जब होता है तो उसकी पहली किरण माता समलेश्वरी के चरणों में पड़ती है, और जब अस्त होता है तो सूर्य की किरणें माँ महामाया के चरणों में पड़ती है। हम महामाया मंदिर में हैं और महामाया मंदिर के पुजारी मनोज शुक्ला जी, पंडित मनोज शुक्ला जी हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। सबसे पहली बात ये बताइए आदरणीय कि ये मंदिर की स्थापना कब हुई थी? जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि इस मंदिर का निर्माण जो है महाराज मोरत ध्वज ने किया था। उस हिसाब से महाराज मोरत ध्वज की गणना हम करते हैं तो आज के तारीख में द्वापर युग के वो आखिरी राजा थे, उन्हीं के समय में कलयुग प्रारंभ हुआ था। हमारे छत्तीसगढ़ शासन के पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मंदिर के दीवारों में, खंभों में जो भित्ति चित्र मूर्तियाँ इत्यादि बनी हुई है उनको देख करके समलेश्वरी मंदिर का आकलन करके बताया गया है कि यह मंदिर 8वीं शताब्दी से पहले का है, अर्थात आज से लगभग 1400 साल प्राचीन समलेश्वरी मंदिर को बताई जाती है। लेकिन समलेश्वरी मंदिर के निर्माण के बहुत पहले ही यहाँ है वंशी राजाओं की राजधानी रही है, तो उनकी कुलदेवी है माँ महामाया, उन्होंने माँ महामाया देवी मंदिर की स्थापना की। यहाँ की लगभग कितने जो जला जा रहे हैं? जैसे कि दिनों दिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए मंदिर ट्रस्ट के द्वारा लगभग 11,000 मनोकामना ज्योति कलश की व्यवस्था करके रखी गई थी, लेकिन इस बार 10,500 के आसपास लगभग कुछ ज्योति प्रज्वलित की गई है। अभी पूजा चल रही है, अभी उनकी आरती शुरू हुई, उसके बाद लगभग पता चलेगा कि वो कितना कम जाता है। 10,000 से ऊपर तक ज्योति कलश स्थापित प्रज्वलित की गई है। महामाया मंदिर में मत्था टेकने से लोगों की मन्नतें पूरी होती है ऐसा कहा जाता है, आप क्या कहते हैं? जैसे कि विगत कई वर्षों से यह देखने में आया है कि केवल रायपुर ही नहीं वरन छत्तीसगढ़ राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के लोग भी यहाँ अपनी मानता मनाने के लिए मनोकामना ज्योति स्थापित करते हैं। वरन पिछले 8-10 साल से हम ध्यान दे रहे हैं कि दूसरे देशों के लोग जो अप्रवासी भारतीय हैं, जो विदेशों में जा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, उनके द्वारा भी माँ महामाया देवी मंदिर में अपनी मनोकामना ज्योति स्थापित की जा रही है। यह सब को ध्यान में रखते हुए, यहाँ भीड़ को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि माँ महामाया जो है सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है। ये महामाया मंदिर परिसर में माँ समलेश्वरी विराजमान है, कहते हैं यहाँ सुबह का सूर्य जो उदय होता है सीधे माँ के चरणों में पड़ता है, क्या मान्यता है? जैसे कि विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर है, उसी तरह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की यह प्रतिष्ठित माँ महामाया देवी का मंदिर, जहाँ पर दोनों नवरात्रि के समय में जब सूर्य उदय होता है तो पूर्वाभिमुख प्रतिष्ठित माँ समलेश्वरी देवी के चरणों तक सूर्य की किरणें पहुँचती है, और उसी तरह सूर्यास्त के समय पश्चिमाभिमुख माँ महामाया देवी मंदिर के चरणों तक सूर्य की डूबती हुई किरणें वहाँ बिल्कुल प्रत्यक्ष आप दर्शन कर सकते हैं। वर्तमान समय में माँ महालक्ष्मी, माँ महामाया और माँ समलेश्वरी तीनों की पूजा आराधना एक साथ होती है। नवरात्रि में इस मंदिर में 10,484 से भी अधिक ज्योति प्रज्वलित हो रही है। रायपुर के महामाया मंदिर में आज भी चकमक पत्थर से ज्योति जलाई जाती है। शारदीय नवरात्रि हो या फिर चैत्र नवरात्र, 10 साल की कम आयु की कुंवारी कन्या को देवी का रूप मानकर पहली ज्योति दीप प्रज्वलित कराई जाती है। माँ महामाया मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी मानी जाती है। माँ महामाया के दर्शन
दर्शन के लिए सुबह से रात्रि की भीड़ लगी रहती है। नवरात्रि के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाम 5 बजे माँ महामाया और माता समलेश्वरी के दरबार में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। आज शारदीय नवरात्रि है और शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिवस महामाया का दर्शन करने का सुअवसर मुझे प्राप्त हुआ। माता रानी से यही प्रार्थना कि छत्तीसगढ़ में सुख शांति समृद्धि आए। 5 साल माता की कृपा से, छत्तीसगढ़ की जनता की कृपा से सेवा करने का अवसर मिला है। आगे भी छत्तीसगढ़ में इसी प्रकार से प्रगति करती रहे, यही कामना है। हाँ, आज मुझे भी टिकट मिला है, हाईकमान को धन्यवाद। पाटन से ही लड़ेंगे जी, तो ये अफवाह फैला रहे थे उसका मुंह बंद हो गया। सर, को मिला है यहाँ टिकट, मौका मिला है, कई पुराने फेस हैं। देखो, फर्स्ट फेस में 20 टिकटों में आप देखेंगे 8 प्रत्याशी बदले गए हैं, मतलब इससे ज़्यादा और प्रत्याशी बदला नहीं जा सकता। सर, 25 फीसदी महिलाओं को मौका मिला है, 25 फीसदी महिलाओं को मौका मिला है। ठीक है ना भाई, आगे और बढ़ेगा। ये काटी आप लोगों ने? काटी नहीं, बदले हैं। तो ये सर्जरी आगे भी रहेगी क्या जारी? इंतजार करिए, उसका दूसरी सूची की इंतजार करिए, हो जाएगा। एक मुकाबला जबरदस्त होगा, हाईकमान ने गिरीश देवांगन पर विश्वास व्यक्त किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जबरदस्त टक्कर के साथ कांग्रेस की जीत होगी। सर, एक चौंकाने वाला सा लगा, मतलब डॉक्टर अमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन। कल आप लोग पूछ रहे थे ना, नया क्या है? हाँ, देख लीजिए नया, तो सोचे थे बड़ा सरप्राइज है, ना तो ऐसी मोहन अग्रवाल के खिलाफ भी ऐसी कोई सरप्राइज दे रहे हैं? देखिए, इंतजार करिए। लो भला, 8-8 टिकट बदल दिए, 8-8 प्रत्याशी बदल दिए, 40% हो गया है ना। यदि राजनांदगांव भी कहेंगे तो नया ही प्रत्याशी है, 20 में से 9। जल्दी 17 को कह रहे थे बैठा था जिसका अगली सूची आएगी। हाँ, तो उसके बाद ही आएगी। तो बड़ी सर्जरी भी दिखाई देगी क्या? भाई, पार्टी क्या करेगी, अभी मैं कैसे पूर्वानुमान लगा सकता हूँ। हम लोगों से तो राय शुमारी करते हैं, फैसला भाई का मान कर रहता है। सर, ये अरुण साहू जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को बचाने वाले और छत्तीसगढ़ को डुबाने वालों के बीच में युद्ध है। बिल्कुल सही बात है, हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के लोगों की सेवा की, उन लोगों ने छत्तीसगढ़ को 15 साल लूटा, तो लूटने वाले से बचाना पड़ेगा छत्तीसगढ़ को, और इस बात को जनता जानती है और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को आशीर्वाद देगी। सर, आपने कहा राजनांदगांव में कांग्रेस जीतेगी, अडानी? बिल्कुल सही बात है, यदि अडानी से बचाना है उसका सबसे बड़ा प्रतिनिधि कौन है? अभी अमन सिंह उसके यहाँ नौकरी कर रहा है, और अमन सिंह मतलब रमन सिंह, तो रमन सिंह के खिलाफ गिरीश देवांगन, तो यदि अडानी हाथ से जाना है तो पहले तो बीजेपी कार्यालय के सामने जसपुर के जो कार्यकर्ता हैं वो आ गए हैं, महिला वोटर प्रत्याशी है, उसके खिलाफ आके वहाँ बैठ गए धरने में और गणेश राम भगत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी नहीं हटेंगे दरवाजे के सामने। आदिवासी लोग आए सर, रात भर से कल डटे रहे, वही खाना बना रहे, वही सुनने वाला कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पहली सूची जारी हुई, दूसरी सूची जारी हुई, और दोनों में इतना भगदड़ है तो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रहा है। इधर राजधानी रायपुर आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। नवरात्रि में माता काली के दर्शन करते लोगों का तांता लगा रहता है। नमस्कार, जय माता दी। आज हम पहुंच गए हैं रायपुर के आकाशवाणी चौक, जहां पर हम देख सकते हैं बड़ी दूर से लोग माता रानी के दर्शन करने आए हैं, जो कि हम पहुँच गए हैं माता काली माता के मंदिर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कितने दूर दूर से श्रद्धालुगण यहाँ पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं माता को कितने सुंदर तरीके से यहाँ पे उनका श्रृंगार किया गया है। तो आइए हम पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ यहाँ का इतिहास है। नमस्कार पंडित जी। जय माता दी। जय माता दी। यहाँ का क्या कुछ इतिहास है उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। इतिहास मंदिर का ऐसा है कि मंदिर तो लगभग 80-90 साल पुराना मंदिर है, और 50-60 सालों से 70 सालों से मंदिर को काफ़ी
यानी प्रचार हुआ मंदिर का। 60-70 सालों से लोग अच्छी तरह से जानने लग गए मंदिर को, और मंदिर का इतिहास ऐसा रहा कि ये मंदिर किसी ने मूर्ति रख दिया था और मूर्ति के वहाँ से स्टार्ट हुआ ये मंदिर। और उसके बाद जो है तो यहाँ पीछे जल संसाधन विभाग है, यहाँ प्रेमलाल पांडे और मुन्नीलाल पांडे करके दो भाई हुआ करते थे, सर्विस करते थे, तो उन्होंने इस मंदिर को मतलब संवारा है। नवरात्र का खास पर्व चल रहा है, उसमें माता जी को किस तरीके से तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ उनका श्रृंगार है, कुछ खास? नवरात्र पर्व में रोजाना माता जी का श्रृंगार अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, और सुबह से भक्तों का तांडा लगा हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की यह है कि यहाँ जो भी आया है उसकी मनोकामना पूर्ण हुई है, दुखियारे के दुख दूर हुए हैं, किसी का कष्ट दूर हुआ है, अपने अपने प्रकार से जिनने जो मतलब मन में चाहा, मनोकामना किया है श्रद्धा भाव भक्ति से, उनकी मनोकामनाएं मातेश्वरी ने, देर दराज जरूर हुआ लेकिन सबकी मनोकामना पूर्ण होते रही है, इसीलिए इस मंदिर का विशेष नाम चल रहा है। आप श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे इस खास पर्व? श्रद्धालुओं को तो मैं तो ये देखा अपने, अभी मेरे को 30-32 साल इस चौखट पर हुआ है, तो मैंने 32 साल के परेड में ये देखा कि ये रायपुर शहर के जैसा भक्ति भाव और यहाँ के गरीब से लेकर एक पैसे वाली पार्टी तक, करोड़पति पार्टी तक, सबके मन में एक सा भाव देख रहा हूँ मैं। चाहे एक गरीब है, एक भीख मांगने वाला भी है, भिक्षुक भी है, तो वो भिक्षुक भी वही भाव में मतलब माता के चौखट पे चढ़ता है, उनका भाव देख करके आदमी बड़ा प्रसन्न होता है। और मैं तो कहूँगा कि जुग जुग जिया ऐसे भक्तगण भाई, सबके कष्ट दूर कर रही है मातेश्वरी, और सब बेचारे कमाए खाए खुश रहे, सबकी दाल रोटी बनी रहे। जय माता दी। जय माता। इस बार क्या कुछ खास है नवरात्रि में? लॉकडाउन के बाद अच्छे नज़र आ रहा है, पब्लिक अच्छा है, ये अच्छा चल रहा है, और रात्रि का पर्व अच्छा लग रहा है। हम लोग 9 दिन की सेवा करने के लिए यहाँ पे रायपुर आए। आप लोग के यहाँ जोत जलाई जाती है, तो कितनी संख्या में इस साल की जोत जलाई? कितने? 4,000 है। 5,000। कहाँ से आ रहे हैं? वीरभद्र नगर टिकरापाड़ा। आज यहाँ आप मंदिर आए, आप रोज आते हैं कि आज आए? आज आए। आप कहाँ से आए? सर वही वीरभद्र नगर रायपुर वाले हैं। क्या मानते हैं कैसा इस साल की नवरात्रि? इस साल का नवरात्रि तो ऐसा है कि हर साल जैसे रहता है वैसे ही धूमधाम से मना रहे हैं, और हम लोग तो उपास रहते हैं, पूरा परिवार भी रहती है छोटी वाली। क्या लग रहा है मंदिर आते बहुत अच्छा? हम लोग हर साल आते हैं, साल में 2 आते हैं, पर नवरात्रि के 9 दिन तो बहुत जल्दी आना जरूरी है। कहाँ से आया? मैं फाफड़ी से, खमतरी तरफ से। नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम रिया सेन है। कितने समय से इस मंदिर में आप आ रहे? मैं यहाँ जब मैं क्लास 5th में थी तब से यहाँ आ रही हूँ। कैसा लग रहा है आज मंदिर का दर्शन करके? बहुत अच्छा। इस मंदिर की बहुत अच्छी मान्यता है, यहाँ दिल से जो भी मांगो सच्चे दिल से वो सब पूरा होता है, और मैं यहाँ स्टार्टिंग से आ रही हूँ विद फैमिली। जय माता दी दाई। जय माता, जय माता, जय माता, जय माता। कहाँ से आए हो दाई आप? मैं टेक बाहर से। कब से आप यहाँ पे बैठते हो कि अभी अभी आए हो यहाँ? मैं अभी आई, अभी आई, आधा घंटा भी नहीं हुआ है। और कौन आए साथ में? मेरा पोता है, आया था लेके आया था, छोड़ के गया बेटा। क्या मान्यता है इस मंदिर की? हाँ, मेरा बेटा समाप्त हुआ है बेटा, उसको परसों 10 महीना होगा। मैं उन्हीं के लिए शीतला माता से आवाज आया कि तुम वो जिस माता को मानता था उसको बोलो मेरे को गोद में दिखाओ। अब तब से मैं 6-7 महीने, 3-4 महीना नहीं निकली थी, अब 4-5 महीना हुआ है, आती जाती हूँ सुबह के टाइम में, पर आधा घंटा बैठ कर चली जाती हूँ। बस मेरी मांग माता को यही है। आप सभी को भी जनजागरूकता मीडिया की टीम से बहुत बहुत नवरात्र की शुभकामनाएं। ऐसे ही तमाम देश विदेश की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। कैमरामैन योगेन साहू के साथ आरजी जैन। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस